नमस्कार साथियों, मैं पंच बहादुर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद आल इन वन डिजिटल। तो फ्रेंड्स, जब भी स्कॉलरशिप का सीजन आएगा आधार सेंटर पर भीड़ लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, आप कैसे जाने, इसी के विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाँ, तो साथियों, चाहे आप अपने मोबाइल पर हों या लैपटॉप में, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और गूगल पे लिखना है UIDAI और सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खोल कर आएगा। उसके बाद आपको UIDAI पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अगर यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के 3 डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लेना है, तो आपको लैपटॉप की तरह दिखने लगेगा। अब हम नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है आधार संख्या सत्यापित करें। यदि इंग्लिश में होगा तो वेरीफाइड टू आधार लिखा होगा, तो आप आधार संख्या सत्यापित करें पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से खुल कर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर डालना है। देखिए एक आधार वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। अब आपको नीचे कैप्चा भरना है, जो स्मॉल कैपिटल लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको भर देना है। उसके बाद प्रोसेस टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप टच करते हैं, देखिए जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद आधार वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आधार नंबर है, जिनका आधार नंबर है उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, मेल हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इनका लास्ट 3 डिजिट मोबाइल नंबर दिखाया गया, देखिए 339। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में कौन सा नंबर लिंक है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।